नमस्कार, सुरजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने सेई और साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिए दी 2,554 करोड़ रुपए की मंजूरी। पाली और सिरोही जिले के करीब 750 गांवों में हो सकेगी पेयजल आपूर्ति। जयपुर के बाद अब बीकानेर जिले में लगेगा 2 दिवसीय मेगा ड्रॉप फेयर। 10 सेक्टर की 50 से ज्यादा कंपनियां लेंगी हिस्सा। युवाओं को मौके पर ही मिलेंगे प्लेसमेंट्स। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना से बुजुर्गों के चेहरे पर आई खुशियां। तीर्थयात्रियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। रामेश्वरम गए तीर्थयात्री, सोमवार देर शाम लौटेंगे बीकानेर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी और साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिए 2,554 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पाली और सिरोही जिले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। सेई और साबरमती नदी पर बन रहे जलाशयों से पानी प्रेशराइज पाइपलाइन, ग्रेविटी पाइपलाइन और टनल के माध्यम से जवाई बांध में छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में पाली और सिरोही जिले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई और साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण की घोषणा की थी। राज्य सरकार युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर दे रही है। न सिर्फ अधिक से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही हैं, बल्कि मेगा ड्रॉप फेयर के जरिए भी युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं। जयपुर में मेगा ड्रॉप फेयर के बाद अब बीकानेर जिले में भी 29 और 30 नवंबर को मेगा ड्रॉप फेयर का आयोजन किया जाएगा। ये ड्रॉप फेयर राजकीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और इस जॉब फेयर में 10 से ज्यादा सेक्टर्स की 50 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। साथ ही योग्य अभ्यर्थियों को मौके पर ही प्लेसमेंट्स भी ऑफर किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा करवा रही है। बीकानेर से रामेश्वरम गए 925 वरिष्ठ नागरिक सोमवार देर शाम तक बीकानेर लौटेंगे। वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कोच में 2-2 अनुदेशक, मेडिकल व्यवस्था और सुरक्षा का पर्याप्त जाब्ता तैनात किया गया है। यात्रियों ने रामेश्वरम के अलावा मदुरई और अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन भी किए। इस यात्रा में गए वरिष्ठ तीर्थयात्रियों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनके लिए इस यात्रा में बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने किसी प्रकार की भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस योजना के लिए तीर्थयात्रियों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योजना के तहत जो गाड़ी चलाई गई है यात्रा की, उस गाड़ी में हम रामेश्वर जाके आए हैं, मदुरई जाके आए हैं। सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमारा एक ग्रुप है, हम ग्रुप के साथ आए हैं और खूब अच्छी व्यवस्था में अच्छा सा खाना नाश्ता भोजन दवाई इत्यादि सब कुछ मिलता है। हमें कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी योजना चालू की है, इसमें सब लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है और गहलोत साहब को भी बार बार हम नमस्कार करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया सबके लिए के साथ आई हूँ और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और रामेश्वर मदुराई सब तीर्थ अच्छे से करवा दिए और बहुत बहुत गहलोत जी का धन्यवाद। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम और पीएचईडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि 11 जुलाई से चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बदलते हुए बड़ी मशीनों की जब्ती और अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारियों पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से अब तक प्रदेश में करीब 100 HEMM मशीनें सहित 185 से अधिक मशीनरी जब्त की जा चुकी है। खनिजों के अवैध परिवहन में लिप्त 2100 से अधिक वाहनों को जब्त किया जा चुका है। वहीं 141 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्यवाही में तेजी लाने की बात कही थी। उसी के बाद से विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। सुरजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।